हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा सभी? राम किशोर चैनल नर्सरी का स्वागत है और इतने लंबे टाइम के बाद स्वागत है। तो आज है करवा चौथ वाला डे। और कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। शायद मेरा नवरात्र के फर्स्ट डे पे ब्लॉग बनाया था और इसके बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। इतने दिनों से मेरा गला बैठा हुआ था और अब जा करके मेरा थोड़ा गला ठीक हुआ है। वीडियो में तो मैं लिपसिंग वगैरह उसमें करती हूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन अभी मेरा आज आवाज़ थोड़ा टर्न टर्न है। तो आज है करवा चौथ वाला डे और मैं फ़िलहाल जा रही थी तैयार होने, तो सोचा पहले थोड़ा सा आप सबसे बातें कर लूँ कि काफ़ी टाइम हो गया आप सभी से बात किए हुए। और ब्लॉग मेरा बहुत कम आ पाता है, बिल्कुल भी मौका नहीं लग पाता है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है पूरे घर में, क्योंकि सुबह से तैयारी की थी। और देख सकते हैं मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मेहंदी मेरी ननद ने लगाया था और चूड़ी मैंने पहन ली है, क्योंकि मुझे काफ़ी अभी बहुत काम है जिसकी वजह से मैंने जो भी पहन सकती हूँ जल्दी पहन लो, वरना बाद में ना मुहूर्त फिर निकल जाएगा ना, तो फिर वो तैयार होने में टाइम लग जाएगा और मुहूर्त के हिसाब से काम करना है। तो ये रहा मंगलसूत्र पहन लिया, चूड़ी पहन ली अभी मैंने, और कुछ ज़्यादा नहीं पहना है। और दिखा दूँ मैं क्या साड़ी पहनने जा रही हूँ, दिखा देती हूँ और क्या क्या करने जा रही हूँ अभी दिखाती हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने ये वाला बेडशीट लगाया हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। ये मैंने ख़रीदा था 450 रुपये करीब में, ये वाला बेडशीट ख़रीदा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये वाली साड़ी पहनने जा रही हूँ, ये है इसका ब्लाउज़ और ये है इसका पेटीकोट और ये है साड़ी। ये वाली साड़ी पहनूँगी तो पता चल जाएगा ये मेरी शादी की चुन्नी। और यहाँ खोल के बैठी हुई थी मेकअप का सामान, अभी चल रही थी तैयार होने। यहाँ मिरर में यहाँ पे फोन स्टैंड लगाऊंगी, फिर यहीं से वीडियो बनाऊंगी। वो निकाला था ना, क्या बोलते हैं, बनियानों में ना तो वो। तो फिलहाल गाइस काफी टाइम हो जाएगा, तो 5:30 बजे तक मुहूर्त है, तो उसके लिए तैयार होने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो में लॉन्ग में तो मेकअप वाला शॉर्ट नहीं हो पाएगा, शॉर्ट वाला जब मैं वीडियो डालूंगी ना तो उसमें थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा दूंगी। तो एक ही फ़ोन है उसे मैं लॉन्ग का वीडियो शूट करूंगी, शॉर्ट का वीडियो शूट करूँ तो वो दिक्कत जाएगी। तो फिलहाल जो भी मैं तैयार होंगी जो भी करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में। तो फिलहाल बने रहिएगा वीडियो में। आज का करवा चौथ मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो में करवा चौथ का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वरना तो पहले कभी नहीं हो पाया था। तो आप देखिएगा मैं अपना करवा चौथ कैसे मनाती हूँ, किस तरीके से फेस्टिवल को हम सभी इंजॉय करते हैं, और आप सभी कैसे करते हैं वो तो देखती हूँ, यूट्यूब वालों को देखती हूँ, और आप सभी कैसे करते हैं कमेंट में बताइएगा, और हम कैसे करते तो आप सब देख ही लीजिएगा। तो चलते हैं फिलहाल तो तैयार होने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी तो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हाथों में मेहंदी लगी है और इसी से आपको अनुभव हो ही रहा होगा कि आज कोई बड़ा ओकेज़न है। जी हाँ, सभी सुहागनों के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है, और आज का दिन था करवा चौथ, जिसमें हम सभी ने फास्ट रखा हुआ है। बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह नहीं करते। हमारे बिहार में नहीं चलता था करवा चौथ का व्रत, लेकिन अभी चलता है, बहुत जगह करने लगे हैं। तो मैंने अपनी शादी के एक साल नहीं किया था, उसके अगले साल किया, क्योंकि घर में नहीं चलता था, कोई नहीं करता था, इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो ये पिछले मैं 7 सालों से लगातार कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप कि क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में नहा धोवा के रेडी होने की तैयारी कर रही थी, और करते करते समय इतना बीत जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। वैसे भी आज का दिन इतना बीत जाता ना चीज़ों तैयारी करने में, सभी डेकोरेट करने में, पूजा की तैयारी करने में, कि समय का पता ही नहीं चलता कब कैसे दिन निकल गया। तो मैं नहा धोवा के आई, घर का सारा टोटल काम मैं सुबह ही कर चुकी थी। यहाँ पर मैंने 2 बार नहाई, सुबह में नहाई थी गाइस, तो मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, इसके बाद दोबारा नहाई धोई, क्योंकि बाल सुबह नहीं धोया था मैंने। इसके बाद मैं 2-3 बजे करीब मैं सारा काम निपटा करके फिर नहाने चली गई थी यहाँ पे, फिर रेडी हो रही थी क्योंकि मुहूर्त का टाइम ही निकला जा रहा था। तो मैं आज ना आपको जो अपनी वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, थोड़ा मेकअप वाला हम वीडियो दिखाऊंगी ब्लॉग में, जो मैंने जितना अटपटा चटपटा सा जो भी मेकअप किया हुआ, तो वीडियो में बने रहिए कैसा मेरा लुक था रहा और कैसे मैंने मेकअप किया, जैसे वैसे जो भी सिंपल तरीके से था।
तो जिन जिन को नहीं आता है मेरी तरह ही, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। अच्छा लगे तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने जिस तरीके से चीज़ें की हैं तो वो भी आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो में बने रहिए। आगे जो मेरा लुक आने वाला है आप ज़रूर देखिएगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी ठीक ही ठाक लगा था, लेकिन आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वाली जो वीडियोज़ जितनी भी आप देख रहे हैं ना, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब ना मैंने शॉर्ट के लिए शूट किया हुआ था वीडियो। लॉन्ग वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन शॉर्ट की छोटी छोटी क्लिप मैंने बनाई है, उसको ऐड करके मैंने लॉन्ग में डाल रही हूँ। तो आज वाली वीडियो को बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिएगा, और जितने भी मेरे अजीब अजीब से फेस एक्सप्रेशन देखेंगे वो मेरी शॉर्ट की फंडिंग वीडियोज़ के लिए बनाए हुए थे मैंने, तो इसमें आपको दिखाई देगा। वरना ब्लॉग में इस तरीके से नहीं करती हूँ, जो भी मतलब मुँह थोड़ा टेढ़ा कर रहे हो, इधर उधर ऐसा ऐसा कर रहे हो, वो मैंने थोड़ी फनी वीडियोज़ के लिए मैंने शूट किया था ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको इग्नोर करिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा किस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। मेरे पास ज़्यादा है नहीं मटेरियल जो ये मेकअप का है। और एक बात बता दूँ, मेरे तो जो मेकअप का सामान है ना, एक दो गिना चुना एक मॉइस्चराइजर जो मैंने लिया है 2 साल पहले, एक्सपायरी डेट कब का निकल गया लेकिन इस्तेमाल कर लेती हूँ। फाउंडेशन भी है, मान लीजिए लगभग साल भर में 10 बार ही ज़्यादा मेरा मेकअप होता होगा, वरना उससे ज़्यादा नहीं। सारे मेकअप रखे रखे ना एक्सपायर जाते हैं, यहाँ तक कि मतलब 2 फाउंडेशन ऐसे ही चले गए। पहले मैं लैकमे का इस्तेमाल करती, ये भी लैकमे का ही है, और इससे पहले वो शीशी वाला जाता था जिसमें डंडा लगा रहता था, पहले वो बड़ा इस्तेमाल करती थी, रखे रखे एक्सपायर हो जाता था। तो पहले मम्मी को देती थी, मम्मी डेली वेयर में इस्तेमाल करके ख़त्म कर देती थी। इसके बाद से ना मैंने छोटी वाली पाउच लानी चालू कर दी है, कोई फ़ायदा नहीं है, सारे मेकअप एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि हम तो डेली घरेलू वाले, घर में रहना है, कहाँ मेकअप करके जाना है, जिसकी वजह से सब वेस्ट जाता है। और इतना सारा लेने का भी मेकअप कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे बर्बाद करना फिजूल में है। जितना चीज़ अब इस्तेमाल कर पाओ, अगर लगाते हो तो लो, नहीं लगाते हो तो लेके रखने कोई फ़ायदा नहीं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो 2-4 चीज़ें ही मेरे पास है, उसी से मैं अपना पूरा मेकअप करूँगी, और मेकअप कैसा रहेगा वो आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने गुड वाइब्स का टोनर लगाया था, जो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, मेरी बहन को भी शादी में मिला था तो मैं भी लेकर के आ गई, उसने भी इस्तेमाल किया, मैंने भी इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी में हम दोनों ने एक मिलजुल के मेकअप जो थोड़ा बहुत लिया था उसी में आपस में तैयार हो गए थे। फालतू फिजूल का ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो पार्लर भी नहीं जाते, हम लोग तो इसी तरह तैयार हो जाते हैं, नॉर्मल है, घरेलू है, क्या करें, फालतू फिजूल का पैसा क्या खर्च करना। तो मेरा कैसा लुक रहेगा वो तो आप देख सकते हो, उसी तरीके से अगर आपको रेडी होना है तो आप भी ऐसे रेडी होइएगा, ज़्यादा बिना पैसे खर्च किए। तो देख सकते हैं छोटा सा डिब्बा है, इसी के अंदर छोटे छोटे मेरे मेकअप के सामान हैं, जो ये भी इस्तेमाल नहीं कर पाती, काफ़ी टाइम तक ऐसे पड़े रह जाते हैं। और ये तो मैंने स्विच बीटी कम से कम 3 या 3.5-4 साल ही ज़्यादातर हो गया होगा ले रखा है, कहाँ क्या काम आता है, कौन से मुँह में थपोड़ना रहता है, आँखों में छोटा छोटा इतना सा लगाना तो रहता है, वो भी कभी कभार ही, कहीं आए गए शादी पार्टी फंक्शन या त्यौहार फेस्टिवल पे, वरना तो ऐसे ही पड़े रहते, कोई बेकार ही वेस्ट हो जाता है ये तो। इसलिए तो ज़्यादातर ये सब लो ही मत, ये लो तो 2-3 कलर वाला शेड लो जो आप मेन मेन लगाते हो, वरना तो सब फिजूल ही है। तो यहाँ मैं अपना देख ही सकते हैं मेकअप कर रही हूँ और किस तरीके से मेरा आँखों का हुआ पड़ा है, मुझे आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता ही, देख सकते हैं एक लाइनर लगा लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत, और आई शेडो का मुझे शौक है, इसलिए जब भी कभी भी अगर लगाना हो तो तैयार होती हूँ तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और आई शेडो मेरे पास कई तरह के, अपने शादी का भी मिला था, वो रखे रखे एक्सपायरी हो गया, इससे पहले मैंने एक बार और लिया था, वो भी पड़ा पड़ा बेकार ही जा रहा है। और ये वाला मुझे अच्छा लगता है, स्विस ब्यूटी का मैंने लिया था 4 शेड वाला, ये मतलब 2-3 तरह का हाइलाइटर ब्लश और जो भी ये सब काम आ जाता है। अब तो मुझे थोड़े बहुत मेकअप का नाम ही पता चला, मुझे वही पता नहीं था। और मैंने जो पिंक जो गालों पे थोड़ी देर पहले लगाया था ना लिपस्टिक जैसा, वो क्या है, वो एक्चुअली मेरी लिपस्टिक जैसा नहीं, मेरी लिपस्टिक ही है जो मैंने होठों में फ़िलहाल लगा रखी है, उसको मैंने ना थोड़ा थोड़ा गाल पे लगा लेती, वो पिंक हो जाता है, अब वही मेरा ब्लशर वाला काम हो जाता है। और ये जो मैंने अभी आँखों पर लगाया ना हाईलाइट, क्या बोलते हैं उसको, आई शेडो, उसी को मैंने गालों पर लगा लिया, ये मैंने कहा ना कॉम्बो है, लाइटर हाईलाइटर जो भी ये सब काम आ जाता है, तो एक ही में सब काम हो जाता है स्विस ब्यूटी वाले आई शेडो में। तो आप भी ऐसा ले लो जिसमें एक ही में आपका 3-4 काम हो जाए, फालतू में फिजूल पैसा खर्च करना बंद। तो देख सकते हैं मेरे गाल थोड़े थोड़े चमक रहे हैं, तो समझ लो कि कामयाब हो गए हैं लगाने में। तो ये मेरा फेस का हो चुका है हुलिया, अभी कैसी बनूँगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे मेकअप का तो मेन होता है ना हथियार, वो हमारी लिपस्टिक होती है, जान होती है, अगर उसे ना लगाए तो बिल्कुल सब चीज़ अधूरा अधूरा सही होता है। तो इसको लगा करके मैं हो गई हूँ बस।
5 मिनट लगेंगे, बस हो गए लिपस्टिक लगाई और हो गई मैं रेडी। इसके बाद कैसे लगूंगी आप खुद देख लीजिए। ये हुई ना बात, तो आप देख सकते हैं मैं तैयार होके खड़ी हूँ और किस तरीके से लग रही हूँ आप खुद देख सकते हैं। ये मेरी शादी का नथिया है, इसको ज्वेलरी है मतलब जो उसका कुंडी क्या बोलते हैं वो टूट गया है, तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल वाली ऐड करके आज पहन ली है। 2 या 3 बार इस्तेमाल किया मैंने, वरना तो बस ऐसे ही रखा ही रहता है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है कान के गले की, और मंगलसूत्र मेरा है अपना वही पहना हुआ है, तो देख सकते हैं। बीच बीच में मुझे ढकाट भी आ रही है, मत पूछिए, भी खाना खाया थोड़ी देर पहले तो वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं रेडी हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं अच्छी लग रही कमेंट में ज़रूर बताना। यही मेरा रहता है, मुझको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जुड़ा मुझे बनाना पसंद है। और हमेशा मैं ज़्यादातर मेरी वीडियो आप देखते ही होंगे, मैं जुड़ा ही बना करके रखती हूँ, क्लेचर लगा लिया, रबड़ लगा लिया। और इस और फेस्टिवल में तो मतलब इस तरह त्यौहार में तो साड़ी पहनो और बाल खुले बापा, अरे तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मैं रेडी होकर के बिना टाइम वेस्ट के लग गई थी पूजा की तैयारी करने में, क्योंकि मुझे सारा सामान भी रखना था, वो भी रखी नहीं थी मैं, पूजा की सारी तैयारी रख कर करनी थी, चौकी भी बिठाना था, करवा चौथ माता का सब कुछ। और आज मैंने सिंदूर लगाया ना, ये मेरे सिंदूरदानी का सिंदूर है, जो मैं बाकी दिन लगाऊँ ना लगाऊँ लेकिन करवा चौथ पर मैं अपना ही जो सिंदूर होता है ना सिंदूरदानी का वही वाले लगाती हूँ, वही सही रहता है। और अगर जो जिन्हें नहीं पता वो भी आप लगाते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे तो वही अच्छा लगता है, क्या बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने सुना है कि त्यौहार फेस्टिवल पे अपने सुहाग वाला सिंदूर जो होता है ना जिसमें सिंगोड़ा बोलते हैं मैं, और तो उसी को लगाना चाहिए, तो उसी से मैं लगाती हूँ। तो देख सकते हैं मेरी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और मुहूर्त बिल्कुल निकला जा रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। ज़्यादातर मेरा हो ही चुका था, ननद पड़ने वाली थी कथा, बस पूजा की तैयारी। देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी शूट कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप निकाल ली उन्होंने आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। और आज ना फर्स्ट टाइम इतने सालों में मेरी वीडियो शूट इस तरीके से हो रही है, जो मैं खुद भी देखूँगी हमेशा के लिए यादगार रहेगा। वरना तो फ़ोन में फोटो वगैरह खींचते थे वो हट जाता था, डिलीट जाता था, या कहीं मतलब इस तरह फोन में गायब हो गया, लेकिन आज YouTube के माध्यम से मेरा करवा चौथ का वीडियो आज शूट हो गया और हमेशा हमेशा के लिए यादगार भी रहेगा। तो मैं कैसे लग रही थी, मेरी पूजा की सामग्री या मेरा सब कुछ करवा चौथ माता का तैयारी कैसा लग रहा था जरूर बताइएगा। अभी आगे वीडियो बने रही है, अभी फाइनल चीज़ें भी और बहुत कुछ बचा है, अभी तो चांद देखना बचा है, उसके बिना तो कहानी और व्रत अधूरा है। तो यहाँ पे लग गई थी मेरी ननद कथा करने के लिए, देख सकते हैं मेरा मंदिर सजा हुआ कितना सुंदर लग रहा है, करवा चौथ माता विराजमान है, और मैं मम्मी और मेरी ननद यहाँ बैठे हुए हैं, हम तीनों मिलके कथा सुन रहे थे। मेरी ननद कथा कर रही थी, कुंवारी कन्या करती है, मेरी इधर साइड घर के साइड ना मतलब औरतें कहाँ क्या करती है मुझे नहीं पता है, तो मैं कभी गई नहीं, तो मैं अपने घर में ही इसी तरह खुद ही पूजा कर लेती हूँ और ननद तो कथा पढ़ देती है। तो हर साल मेरी करवा चौथ की व्रत ऐसे ही होता है गाइस। तो व्रत कथा करने के बाद में भी चांद तो निकला नहीं था, इसलिए मैं अपनी थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करने चली गई थी। वीडियो बना रहे थे मेरे हस्बैंड जी, मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा मुझे क्लिप लगा निकाल दीजिए कि मुझे अपने दोस्तों को शेयर करनी है, और कौन नहीं होगा जो व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पर नहीं शेयर करता होगा सभी पे, तो मैंने भी थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली है। तो हर साल मैं इसी तरह तैयार होकर के बैठती हूँ, मेरी ननद खाना बना लेती है, इतना तामझाम करने के बाद तो बिल्कुल भी किचन में जाया नहीं जाता है, और गर्मी लगती है सो अलग। तो देख सकते हैं कैसी क्लिप लग रही है, कैसी मेरी मेहंदी लगी, कैसे मेरे हस्बैंड जी हम दोनों प्यार भरे तरीके से अपनी वीडियो बना रहे हैं। आपको कैसा लगा मेरी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी एंड नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी तो मेन चांद देखना बचा हुआ है, ब्लॉग में बने रहिए। और छोटी सी तो मेरी क्लिप है और इसे इग्नोर मत करिए, पूरा देखिए। तो गाइस हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, इसके बाद थक करके बैठ गए थे, चांद का इंतजार कर रहे थे, बाकी मेरी गली के जितने भी थे ना वो सब पूजा पाठ करके चले गए थे, लेकिन मेरा घर नीचे की तरफ है और मेरे आजू बाजू सारे बिल्डिंग ऊँचे, जिसकी वजह से चांद देखने में बहुत टाइम लग गया। तो क्या हुआ, मैं चांद काफ़ी देर में निकला गाइस, तो होते होते 10 साढ़े 10 बज गए थे,
तो ये देख सकते हैं आप, छोटी छोटी क्लिप हमने ले ली है करवा चौथ की। इसी तरीके से मैं हर साल अपना व्रत बनाती हूँ। आप सभी कैसे अपना करवा चौथ बनाते हैं ज़रूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, और नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो लाऊंगी और पूरी वाली जो ब्लॉग होती है ना वो शूट करूँगी, इस तरह शॉर्ट में नहीं करूँगी, इसके लिए सॉरी। इस बार इसी तरह से काम चला लीजिए। और जो थोड़ी बहुत क्लिप ली थी करवा चौथ की तो वो मैं डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इसी तरीके से मेरा व्रत हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बने रहिए, सॉरी वीडियो के एंड और आगे क्या बने रहिए, अभी तक आपने मेरी वीडियो देखा, जिन जिन ने फुल व्यू वॉच किया उनको बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।